देखो, मैं आज ना आपको एक सीक्रेट की बात बताता हूँ। मतलब सिर्फ इंसान ही एक जीव है, ठीक है, जो सोचता है। मतलब वो सोचना मतलब वो एक रोबोटिक चीज़ है, ठीक है, सोचना मतलब, क्योंकि ये कंप्यूटर भी सोचता है, वो भी सोच सोच के करता है। तो अगर तुम सोच रहे हो ना, तो फिर वो ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। थॉट्स आर नॉट लाइफ। तो ज़िंदगी का मतलब है महसूस करना, एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, ठीक है, फील करना, वो ज़िंदगी है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अदर जीव रहते हैं ना, जो अदर क्रिएचर्स, मतलब अदर देन ह्यूमंस, दे ऑल यू नो दे डज नॉट थिंक, दे डोंट थिंक एक्चुअली। उसके अंदर वो थाट्स नहीं रहते, पता है, वो फील करके कोई चीज़ को करते हैं, फील एंड डू वाला मतलब सोचता, क्योंकि ये जो थाट्स हैं ना, ये बाहरी चीज़ें हैं। मतलब ये लगेगा कि ये सही है, तो वो सही और गलत जो है ना, सिचुएशन के साथ बदल जाता है। लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना, जो एक्सपीरियंस है, तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने अभी 10 साल की उम्र में कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ना, तो वो 50 की उम्र में भी वही रहेगा, उसका वैल्यू कभी घटेगा नहीं। लेकिन जो तुम आज सही और गलत का परिभाषा दे रहे हो, वो बदल जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फीलिंग, तो ज़िंदगी जो है ना, वो फील करने के बारे में, महसूस करने के बारे में, एक्सपीरियंस करने के बारे में, ना कि सोचने के बारे में। क्योंकि सोचना तो एक मशीन भी करता है, तो वो तो ज़िंदगी नहीं हो जाता ना। तो वही बताना चाहता था मैं।